सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकंड टॉपिक ऑफ कार्पेंट्री, दैट इज सीजनिंग ऑफ वुड। सो लेट्स डिस्कस मोर अबाउट इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सो Seasoning is the process of drying timber to remove the bound moisture contained in the wall of the wood cells to produce seasoned timber. तो हमें क्या करना होता है, जो भी wooden cells होती हैं, wood के अंदर जो cells होती हैं उनके अंदर moisture trap होता है, उसको हम चाहते हैं कि उसको atmosphere में release कर दें so that it can get dried. Seasoning can be achieved in number of ways but the aim is to remove water at the uniform rate through the piece to prevent damage to the wood during drying seasoning damages. तो हम चाहते हैं कि जो वुड के अंदर में अवेलेबल मॉइस्चर है उसको हम किसी तरह से निकाल पाएं। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एम यही होता है कि यूनिफॉर्मली हम उसमें से जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव करें। अन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, वो बकल हो सकती है या कहीं से मुड़ सकती है, ठीक है। देन मॉइस्चर शुड बी बिलो 15%। तो सीजनिंग का मेन जो एम है वो है कि वी शुड ट्राई टू ब्रिंग द मॉइस्चर कंटेंट बिलो 15%। एंड सेल चेंजेस इट्स शेप एंड साइज ऑन ड्राइंग। तो होता यह है कि जैसे जैसे वुड सूखती है, ड्राई होती है, तो उसके सेल्स क्या होते हैं, स्क्वीज होते हैं, और स्क्वीज होने के बाद वो डिफरेंट शेप्स लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी लकड़ी या तो रैप हो सकती है या बैंड हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ग्रीन वुड के साथ, इसीलिए हम लोगों को सीजनिंग करने की आवश्यकता होती है। सो व्हाई वी नीड सीजनिंग, तो हमें सीजनिंग करने से क्या क्या फायदे हैं या हमें क्यों जरूरत पड़ती है सीजनिंग की। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है दैट इज रिड्यूस क्रैक श्रिंक्स एंड रैपिंग। तो जो सीजन लकड़ी है, जो सूखी हुई लकड़ी है, उसमें क्रैक्स आने के, श्रिंकेज होने के और रैपिंग होने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं। ग्रीन के अंदर में ये ज्यादा होते हैं। सेकेंडली डिक्रीज वेट। तो देखिए इसके अंदर में बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर में मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो इस वजह से जो लकड़ी होती है उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। जब सीजनिंग हो जाती है लकड़ी, उसके बाद उसका वेट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन डिक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो देखिए हम सब बहुत बार वुड को एज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, बहुत जगह पे हम एज ए इंसुलेटर काम में लेते हैं, लेकिन यदि वो लकड़ी गीली होगी, ग्रीन होगी, तो क्या होगा, इट कैन नॉट एक्ट एज ए बैड कंडक्टर बट इट मे कंडक्ट सम इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें चाहिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे, तो हमें उसको ड्राई करना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा वो ड्राई होगी उतनी ही पॉसिबिलिटी उसके अंदर में रहेगी कि वो गुड कंडक्टर ना रहे और उसमें से करंट पास नहीं हो। सिमिलरली गेट्स मोर स्ट्रॉन्गर सच दैट हायर स्ट्रेंथ। तो जो यदि हम देखें वेट इज टू स्ट्रेंथ का रेशियो, तो पहले वेट ज़्यादा था क्योंकि उसमें मॉइस्चर था, उसके अगेंस्ट में उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वो सूख जाती है तो उसका वेट कम हो जाता है और स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। तो जो वेट इज टू स्ट्रेंथ के रेशियो है वो इसके अंदर में हमें हायर मिलता है। सिमिलरली मोर ड्यूरेबल एंड लो फंगस अटैक। तो देखिए ये जो लकड़ी है हम इसको बहुत टाइम तक रख सकते हैं, बहुत टाइम तक इसको चीज़ें बना करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ड्यूरेबल है। अदरवाइज ग्रीन जो वुड होगी वो क्या होगी, जल्दी से फंगस अटैक कर सकता है और भी उसके अंदर में कई तरीके की डिफेक्ट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। सिमिलरली यदि हम एक एडवांटेज देखें तो बर्निंग इज इजी। तो जो सूखी लकड़ी होती है वो आराम से जल सकती है, इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, सीजन वुड ज़्यादा काम में लेते हैं, हम गीली लकड़ी नहीं जला सकते। देन पेंट एंड वार्निश रिटेन्स लॉन्गर। तो देखिए सूखी लकड़ी पे यदि हम पेंट करते हैं, वार्निश करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से कोट करता है और बहुत लॉन्गर उसका ड्यूरेशन होता है। यदि हम कंपेयर करें ग्रीन वुड पे, यदि आप पेंट और वार्निश करेंगे तो वो जल्दी से पील हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा और उसकी जो टेक्सचर है वो भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते। देन लेस अटैक टू इंसेक्ट एंड टर्माइट्स। तो देखिए जो सूखी लकड़ी होती है उसमें लेस जो इंसेक्ट अटैक्स हैं या टर्माइट, टर्माइट मतलब दीमक, वो बहुत कम अटैक करते हैं और उसको खराब करने की चांसेस हैं। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल अटैक नहीं करते, करते हैं लेकिन कम करते हैं, लेकिन गीली लकड़ी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टर्माइट्स के और इंसेक्ट्स के। सिमिलरली लो ग्लूइंग। तो देखिए जो वुड होती है, नेचुरल वुड होती है, उसमें सैप होता है जो कि एक गमी टाइप का मटेरियल होता है, और वो उसको हम लोग गोंद भी बोलते हैं, ग्लूइंग भी बोलते हैं, तो वो कम हो जाता है जैसे ही लकड़ी सूखती है, हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो इस वजह से भी हमारे को काफ़ी एडवांटेज रहता है। तो दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीजनिंग। देन लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजनिंग। तो सीजनिंग करने के बेसिकली दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक तरीका होता है नेचुरल, एक तरीका होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब है कि हम लोग नेचुरल मेथड यूज़ करके उसको सुखाते हैं, जिसके अंदर में दो
टाइप्स आते हैं, वन इज एयर सीजनिंग, वन इज वाटर सीजनिंग, और जो आर्टिफिशियल सीजनिंग है उसके अंदर में हम लोग फोर डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, दैट इज बॉइलिंग, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग एंड क्लीन। तो ये जो फोर टाइप्स हैं इनको हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हम लोग नेचुरल को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल, व्हाट इज एयर सीजनिंग। तो आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर एयर सीजन के लिए हमने इसको रखा हुआ है। तो व्हाट वी डू, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इसका बेस होता है वो करीबन 200 से 300 mm अबाउट ग्राउंड होना चाहिए, जिससे नीचे से किसी तरह से यदि बारिश आ जाए या फ्लो वाटर फ्लो होकर के किसी तरह से टिम्बर को गीला नहीं करे। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टैक लगाते हैं, यानी कि लकड़ियों के हम एक के बाद एक पाइल खड़े करते जाते हैं, और कभी भी एक जो लकड़ी का रो देख रहे हैं यहाँ पर, एक जो लेयर है उसके बाद हम दूसरी लेयर को डायरेक्ट नहीं रखते हैं, जबकि हम उसके बीच में ये देखेंगे आप बैटन्स यूज करते हैं। तो बैटन्स क्या होते हैं, वो स्पेसर का काम करते हैं, जो पहली पाइल है उससे दूसरी पाइल के बीच में गैप रखते हैं, जिससे कि एयर उसके बीच में से पास हो सके। इसी तरह से जब थर्ड लेयर आएगी तो उससे पहले भी हम लोग बैटन्स यूज करेंगे एंड देन थर्ड लेयर रखेंगे, उसी तरह से हम फोर्थ लेयर एंड सो ऑन। तो हम पूरे स्टैक्स लगा देते हैं, बड़े बड़े ढेर लगा देते हैं लकड़ियों के हम, और इनको कोशिश करते हैं एक के ऊपर एक ज्यादा क्वांटिटी में रखे, जिससे ये क्या हो, इसके एंड्स दबे हुए रहें। तो हमें ये भी जरूरी है कि एंड्स यदि दबे हुए नहीं होंगे तो सूखते वक्त भी ये बैंड हो सकती है, तो हम इसको दबा के रखने की कोशिश करते हैं और नेचुरली एयर इसमें से पास होती रहती है। एक हम लोग इंपॉर्टेंट ये और ध्यान रखते हैं कि ऊपर से शेडेड हो, जिससे कि बारिश का पानी इसके ऊपर नहीं गिरे डायरेक्ट, तो हम शेडेड रखते हैं और इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, नेचुरली सूखने के लिए रख देते हैं। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इट टेक्स अराउंड 3 to 4 months, तो लगभग 3 से 4 महीने इसको सूखने में लग जाते हैं। बट अगेन इट इज नॉट फिक्स कि 3 to 4 months, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन पे भी डिपेंड करता है और सीजन पे भी डिपेंड करता है कि गर्मी है, ठंडी है या बरसात के दिन है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो। तो जनरली हमें 3 से 4 महीने नेचुरल एयर सीजनिंग में लग जाते हैं। ओके, देन द सेकेंड टाइप इज वाटर सीजनिंग। तो देखिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये लगता है कि हम वाटर निकालना चाह रहे हैं, फिर भी हम इसको वाटर में ही डिप कर रहे हैं, वाटर में ही डाल रहे हैं लकड़ी को, तो सूखेगी कैसे। तो इसका इंपॉर्टेंट पर्पज ये होता है कि जो फ्लोइंग वाटर है, जो पानी बह रहा है, उसमें हम इन लकड़ी के बड़े बड़े लॉक्स को डाल देते हैं, बड़े बड़े लट्ठों को डाल देते हैं, और उनका जो डालने का तरीका है वो स्पेशली ये रखते हैं कि जो थिकर एंड है वो अपर स्ट्रीम में रखते हैं, जो अपसाइड स्ट्रीम है वहां से जहां से पानी आ रहा है, और लो साइड स्ट्रीम में हम जो थिन साइड है वो हम रखते हैं। यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि थिक साइड जो होता है अप स्ट्रीम में रखते हैं और थिन साइड जो है वो हम लो स्ट्रीम में रखते हैं, और जो फ्लो है वो आपका थिक से थिन की तरफ में जाता है। तो होता ये है कि जो वाटर इसमें से पास होता है तो इसकी जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर से क्या होता है, सैप को ये बाहर निकाल लेता है। तो सैप जब एक बार पूरा रिमूव हो जाता है वुड में से, तो ये बहुत जल्दी और बहुत प्रॉपरली ये जो होता है ड्राई हो सकता है। तो हम कुछ दिनों के लिए इसको वाटर में छोड़ देते हैं और उसके बाद हम इनको निकाल के नेचुरली वापस से सुखा देते हैं, बाहर इसको ओपन में छोड़ देते हैं, तो ये नेचुरली सूख जाता है। ठीक है, सो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 weeks इन ड्राइंग, तो ये उसके कंपेयर में जल्दी सूख जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल सीजनिंग। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो है लेस कॉस्टली एंड इकोनॉमिकल। तो देखिए इसमें बहुत कम खर्चा आता है, बहुत नेचुरली हम इसको सुखाते हैं, इसलिए वुड की कॉस्ट नहीं बढ़ती है। वरना यदि हम जब आर्टिफिशियल वाले सीजनिंग मेथड पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, सीजनिंग की कॉस्ट भी वुड में एड अप हो जाती है और उससे उसकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। तो नेचुरली सुखाने से हमारे को बहुत कम रेट में ये काम हो जाता है। सेकेंड इज आउटपुट क्वालिटी इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पर जो हम सीजन करते हैं लकड़ी वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है आर्टिफिशियल के, बिकॉज उसमें कुछ केमिकल्स हम यूज नहीं कर रहे और कोई फास्ट मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, तो नेचुरली होने से नेचुरल ग्रेन्स उसके नेचुरल जो उनकी पोजीशन है उनको रिटेन कर पाते हैं। थर्ड जो चीज है वो है कैन बी यूज फॉर बिग साइज ऑफ वुड्स। तो देखिए कितनी भी बड़ी लकड़ी है, बड़े बड़े पेड़ के हमने लॉक्स काटे हुए हैं, तो उनको भी सुखाना बहुत आसान होता है। उसको आप लोग खुले में छोड़ दीजिए और वो नेचुरली सूखते रहेंगे। तो कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि आप कितनी साइज तक के वुड को सुखा सकते हैं और कितनी ज्यादा क्वांटिटी में सुखा सकते हैं। आपके पास जितनी जगह हो वहां पर आप उसको फैला के रख सकते हैं और बड़ी से बड़ी अमाउंट की लकड़ी को भी नेचुरली आप सुखा सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज नो नीड ऑफ स्किल, यानी यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल की तरह कुछ भी पैरामीटर कंट्रोल नहीं करने, कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है। कोई भी नॉर्मल लेमैन आदमी भी, मजदूर आदमी भी नॉर्मल लकड़ी को सुखा सकता है और वो टाइम टू टाइम उसको घुमा के पलट के और उसको सूखने दे सकता है। तो इसमें कोई पढ़ाई, कोई इसके लिए स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एडवांटेजेस है नेचुरल सीजनिंग के। इसी तरह से यदि हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो नेचुरल सीजनिंग के काफी डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो हियर यू कैन सी द लिस्ट। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस है, इट रिक्वायर्ड मोर स्पेस। तो देखिए
जितनी ज्यादा फूड होगी उतनी ही ज्यादा स्पेस आपको रिक्वायर्ड होगी। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ दिनों के लिए कुछ स्पेस यूज करी और उसके बाद वहां पर आप दूसरी लकड़ी रख सकते हैं, तब तक आप दूसरी लकड़ी नहीं रख सकते जब तक पहली वाली प्रॉपरली नहीं सूख गई है। तो जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है, वो काम में नहीं आता जब तक कि वहां पे लकड़ी सूख रही है। तो इट रिक्वायर्स वेरी हाई स्पेस, जितनी लकड़ी है उसके हिसाब से आपको ज्यादा स्पेस चाहिए। मोर टाइम कंज्यूमिंग, तो देखिए अभी हमने देखा कि काफी टाइम लग जाता है, महीनों में टाइम लग जाता है उसको सूखने में, और आज की डेट में इतना फास्ट जो है लाइफ स्टाइल है कि हमें चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी हमारा प्रोडक्ट्स को बना सकें, तो हम इतना वेट नहीं कर सकते कि हम उसको नेचुरली सूखने के लिए रखें, दैट इज वाई वी गो फॉर आर्टिफिशियल सीजनिंग। थर्ड है डिफिकल्ट टू कंट्रोल पैरामीटर्स, तो देखिए आप जब इसको नेचुरली सुखाते हैं तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, सब कुछ जो है नेचर पे डिपेंड करता है, यानी कि जितना टेम्परेचर आएगा उसी रेट से वो सूखेगी, प्लस ह्यूमिडिटी जो है वो उसकी उसी हिसाब से कम होगी, जैसे जैसे एयर के अंदर में आपकी ह्यूमिडिटी वेरी करेगी, तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि आप उनको रेगुलरली पलटते जाएं, दैट्स इट। फोर्थ जो ड्रॉबैक है दैट इज डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड सीजन्स, तो आप नेचुरल सीजन के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, कैसा आपका सीजन है, कैसा आपका एटमोसफेयर है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए आप अफ्रीका कंट्रीज में या फिर इंडियन जैसी कंट्रीज में रहते हैं तो वहां पर सनलाइट काफी तेज गिरती है, काफी उसकी जो इंटेंसिटी वो हाई होती है और हाई टेम्परेचर आपको मिलता है, तो वहां पर ये सूखने के चांस ज्यादा अच्छे होते हैं, बजाय कि यदि आप कनाडा रहते हैं या स्विट्जरलैंड रहते हैं तो वहां पर जो नेचुरल सीजनिंग है वो बहुत लो यूज में आती है। इसी तरह से सीजन कैसा है, यदि बारिश का सीजन है तो आपको टाइम लगेगा ज्यादा सूखने के लिए लकड़ी को, या फिर ठंड का टाइम है तो भी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यदि गर्मियां पड़ रही हैं तो आपका जो वुड है वो नेचुरली जल्दी सूख जाएगी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि हम डिपेंडेंट हो गए। देन फिफ्थ वन इज ड्राइंग इज नॉट इवन एट ऑल द सर्फेसिस, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो वुड लॉग्स होते हैं वो देखेंगे आप कि क्या होता है, बाहर बाहर से आपको लगेगा कि वो ड्राई हो चुके हैं जबकि वो प्रॉपरली ड्राई नहीं हो पाते हैं। तो हम चारों तरफ से यदि हम बात करें, क्योंकि मान लीजिए किसी तरफ से वो दबा हुआ है तो वहां पे मॉइस्चर फिर भी रह जाएगा, तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरी सरफेस जो है वो इक्वली ड्राई नहीं होती है, तो कहीं से ज्यादा होती है कहीं से कम होती है, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है हमारे नेचुरल सीजनिंग के साथ। देन द सिक्स्थ वन इज चांसेस ऑफ एंड क्रैक ड्यू टू हाई रेट ऑफ ड्राइंग, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम बड़े बड़े वुडन लॉग्स को सुखाते हैं तो क्या होता है, जो एंड्स होते हैं दोनों किनारे होते हैं वहां से क्या होता है, जो मॉइस्चर है वो काफी रैपिडली निकलता है, तो वहां से तेजी से निकलने से क्या होता है, वहां पर जो रेट होती है सूखने की वो बहुत हाई होती है, इस वजह से वहां क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, तो दोनों एंड्स पे जब आप देखेंगे लकड़ी के वहां पर आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग कई बार उसको पेंट करते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े लॉक्स के ऊपर में एक एंड पे दोनों साइड्स जो होती हैं उसकी लंबी वाली साइड्स, उन दोनों साइड्स पे हम पेंट कर देते हैं जिससे कि वहां से मॉइस्चर क्या हो स्लोली निकले, और हम चाहते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल सरफेस है उनसे ज्यादा मॉइस्चर रिलीज हो। एंड द लास्ट ड्रॉबैक इज क्वालिटी इज लोअर देन द आर्टिफिशियल सीजन वुड, तो जो आर्टिफिशियल सीजन है उसकी क्वालिटी हमें ज्यादा अच्छी मिलती है बजाय के नेचुरल के, क्योंकि वहां पे हम यूनिफॉर्म और कंट्रोल्ड पैरामीटर में उसको हम सीजन कर रहे हैं, तो हमारे पास ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिलने की संभावना वहां पर बनती है। तो अब हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल सीजनिंग कैसे होती है और किस किस टाइप से होती है। सो द फर्स्ट वन इज बॉइलिंग सीजनिंग, सो जो सबसे पहला मेथड है आर्टिफिशियल का दैट इज बॉइलिंग ऑफ वुड। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लकड़ी को गर्म पानी है उसके अंदर में हम उसको डिप करके रखते हैं और काफी देर तक हम उसको उबलते हुए पानी में छोड़ देते हैं, एंड द टाइम इज अराउंड 2 to 5 hours। तो इससे क्या होता है, जो लकड़ी के अंदर सैप है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, तो जो वुड सैप है वो क्या होता है, पानी के साथ में इस लकड़ी में से बाहर आ जाता है और जो लकड़ी होती है वो क्या होती है, सैप फ्री हो जाती है। और जैसा हमने पहले भी बात की थी, जब हमारा सैप बाहर निकल जाता है तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो जब हम बॉइल करते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको वापस से सूखने के लिए रख देते हैं और सुखाने के बाद हम इसको काम में ले सकते हैं। तो सुखाना वापस से दोनों तरह से हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग करने से हम लोगों ने इसका जो सूखने का जो सीजनिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट कर दिया, तो दैट इज वाई इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सीजनिंग। जो सेकेंड टाइप है दैट इज कॉल्ड केमिकल सीजनिंग, तो केमिकल सीजनिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो वुड है, जो टिम्बर है, जो गीली टिम्बर है, हम उसको पहले क्या करते हैं, ड्राई फॉर्म में हम उसको या तो कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनियम कार्बोनेट या फिर यूरिया या फिर कुछ और सॉल्ट्स हैं वो हम उसके उसको ड्राई फॉर्म के अंदर में उसके अंदर में डिप करते हैं, जिससे कि वो क्या करता है, अंदर का पूरा मॉइस्चर बाहर खींच लेता है। तो वुड जो होती है वो क्या होती है, वो बहुत जल्दी सूखने की कोशिश करती है और बहुत ईवन होता है ये वाला प्रोसेस, और उसके बाद जब हम उसमें से जो अंदर का मॉइस्चर है वो बाहर निकाल लेते हैं, देन वी पुट इट अगेन फॉर नेचुरल ड्राइंग और
क्लीन ड्राइंग, तो हम दोनों तरह से उसको फर्दर सुखा सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है जो ओवरऑल टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, और केमिकली जब हम करते हैं तो वो यूनिफॉर्म होता है, यानी पूरी लकड़ी लगभग चारों तरफ से बराबर रेट में सूखती है, अंदर और बाहर से वो प्रॉपरली सूखती है, तो ये इसका एडवांटेज रहता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये लार्ज चैम्बर है, ये टिम्बर्स अंदर रखे हुए हैं, और इसको इनिशियली क्या किया, सीजन्ड किया है हमने, एंड देन नेचुरल या आर्टिफिशियली हमने इसको सुखाया है। तो ये था केमिकल सीजनिंग के बारे में। इट टेक्स अराउंड 30-40 डेज फॉर गेटिंग इट ड्राई। ओके, इसी के बाद जो नेक्स्ट आर्टिफिशियल सीजनिंग आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। तो देखिए, अभी हमने बात करी थी कि ग्रीन जो वुड होती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती है, यानी उसमें करंट फ्लो हो सकता है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सीजनिंग करते हैं। तो हम पूरी जो वुड होती है उसको क्या करते हैं, एक पूरी फर्नेस में डाल देते हैं, और उसके दोनों एंड्स पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एंड वी स्टार्ट फ्लोइंग द करंट, और ये जो करंट होता है वो होता है हाई फ्रिक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट। तो जब हाई फ्रिक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो वुड में से पास होता है, तो वुड क्या होती है, हीटअप हो जाती है, गर्म होने लगती है, और उसकी वजह से जो मॉइस्चर होता है उसके अंदर से वो एलिमिनेट होने लगता है, और जैसे जैसे मॉइस्चर कम होने लगता है करंट की जो कंडक्शन पावर है वो कम होने लगती है, और जैसे जैसे वुड सूख जाती है वैसे वैसे क्या होता है, कंडक्शन होना बंद हो जाता है। तो जैसे ही हमारे पास जो करंट है उसका कंडक्शन बंद हो गया तो हमारे पास क्या होता है, वो वुड ड्राई हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि इस तरह के फर्नेसेस बहुत हाईली कॉस्टलियर होते हैं, बहुत महंगे आते हैं, लेकिन फायदा यही है कि बहुत यूनिफॉर्म ड्राइंग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली वो हर एक पार्टिकल तक, हर एक ग्रेन तक जाती है जहां भी मॉइस्चर प्रेजेंट है, और उसको वो क्या करती है, हवा में उड़ा देती है बिकॉज ऑफ हीटिंग। तो इसलिए ये बहुत अच्छी और बहुत फास्ट कह सकते हैं इस तरह की ड्राइंग है आर्टिफिशियल में, एंड इट टेक्स अराउंड 5-8 आवर्स, बट अगेन सेट की इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में तीनों चीजें देख रहे हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फर्नेस है, यहाँ पर आपका वुड लॉग अंदर जा रहा है, और ये कंट्रोल पैनल है जहाँ से आप एसी करंट को कंट्रोल करेंगे, एंड मॉनिटरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मोकपल्स यूज कर सकते हैं, तो हम रेगुलरली अंदर का टेम्परेचर भी वॉच कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर अंदर चल रहा है। देन द लास्ट वन इन आर्टिफिशियल सीजनिंग इज क्लिम सीजनिंग। जो क्लिम सीजनिंग है वो एक तरीके का पूरा एक भट्टी होती है, एक बड़ी सा एक चैम्बर होता है जो कि चारों तरफ से बंद होता है, एक गेट होता है, ओपनिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जो लकड़ी का पाइल बनाया हुआ था उसको हम ट्रॉली के ऊपर रख करके और पूरे पाइल को अंदर घुसा देते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये आपके पास ब्लैक कलर में ट्रॉली दिखाई हुई है, नीचे व्हील्स हैं, और ये पाइल्स बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे आप लोगों ने एयर सीजनिंग में देखा था जो कि नेचुरली सीजन था। तो इस पाइल में भी अगेन हम क्या करेंगे, जो वुड लॉग्स हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वुड के जो लॉग्स हैं उसके बीच के अंदर में हमने बैटन्स यूज किए हुए हैं, और ये बैटन्स क्या करते हैं, इनमें स्पेस रखते हैं जिससे कि हवा इसके बीच में से आर पार निकल सके, घूम सके। तो इस तरीके से हम लोग इसको पाइल्स बना करके और अंदर पुश कर देते हैं, एंड चारों तरफ रिफ्रेक्टरी लाइनिंग रहती है, रिफ्रेक्टरी मतलब जिसमें से हीट कंडक्ट नहीं हो सकती है। तो इस तरीके के पूरे क्लोज चैम्बर में हम इसको रख देते हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर आपको पाइप्स नजर आ रहे हैं टॉप के ऊपर में, तो ये जो पाइप्स हैं इसके अंदर में हीटेड स्टीम्स पास होती रहती है, गर्म स्टीम पास होती रहती है, जिससे कि जब एयर इसके ऊपर से निकलती है तो वो एयर हीटअप हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये जो पाइप है इनमें लगातार हॉट स्टीम हम पास कराते रहते हैं जिसकी वजह से ये एयर गर्म होती रहती है, और ये एयर क्या होती है, सर्कुलेट होती है। हम यहाँ पर फैन भी यूज करते हैं और एक एग्जॉस्ट फैन भी यूज करते हैं, तो ये जो फैंस हैं वो क्या करते हैं, इसके मोशंस को रेगुलर मेंटेन रखते हैं कि इसमें फ्लो कंटिन्यूस होता रहे, और एयर क्या होती है, हर स्टैक में से, हर टिम्बर में से होती हुई पास होती रहती है। तो जैसे जैसे गर्म हवा पास होती है तो उसका जो मॉइस्चर है उस टिम्बर का वो क्या करती है, अपने साथ लेके बाहर उड़ती जाती है, और उसको निकालने का काम, जो मॉइस्ट एयर है उसको निकालने का काम यहाँ पर देख रहे हैं, फैन टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्ट एयर। तो ये जब चलता रहता है फैन, तो क्या होता है यहाँ पर, ये जो मॉइस्ट एयर है यहाँ से होती हुई और बाहर चिमनी से निकल जाती है। तो इस तरीके से अंदर रेगुलर जो मॉइस्चर है वो डिक्रीज होता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि हम ज्यादा हीट प्रोवाइड कर देते हैं और मॉइस्चर का जो फ्लो है वो एकदम से ज्यादा डिक्रीज होने लग जाता है तो टिम्बर में डिफेक्ट्स ज्यादा हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार हमें यहाँ पर मॉइस्चर ऐड भी करना पड़ता है। तो मॉइस्चर ऐड करने के लिए आप देखेंगे यहाँ स्टीम जेट्स लग रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ, और स्टीम जेट्स क्या करते हैं, जब भी हमारे पास मॉइस्चर कम होता है तो हम इसमें से स्टीम रिलीज कर देते हैं इस चैम्बर के अंदर, और स्टीम रिलीज करते क्या होता है, वापस से जो मॉइस्चर था वो वापस से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर एकदम से डिक्रीज हुआ था वुड का वो कंट्रोल हो जाता है और वो डिफेक्ट होने से बच जाते हैं। तो इस तरह से ये रेगुलर चलता रहता है और बहुत फास्ट इसके अंदर में भी हमारे पास में ड्राइंग होती है, एंड इट टेक्स अराउंड 15-20 डेज। इसको हम बहुत स्लो स्पीड में चला के छोड़ देते हैं, और इससे क्या होता है, नेचुरली जब ये चीज चलती रहती है तो ये जो एयर है इसकी वजह से ये जो इसका मॉइस्चर है वो बाहर निकलता रहता है और हमारी जो ड्राइंग पॉसिबल होती है। तो दिस इज कॉल्ड क्लीन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग, और इसमें हम हीटिंग के लिए
कुछ भी यूज कर सकते हैं, सोर्स कुछ भी हो सकता है हीटिंग का, इट मे बी स्टीम, इट मे बी सम पेट्रोल, केरोसिन और वॉट एवर वी रिक्वायर, डीजल, हम कुछ भी बर्न करके इस टाइप से हम उसको हीट कर सकते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल है एयर को हीट करना, ठीक है। तो क्लीन टाइप के अंदर में हम ये सब देखते हैं। जो क्लीन टाइप है इसमें अच्छी बात यह है कि जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होता है इसके अंदर में, और जो नुकसान है वो ये है कि इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है, इसीलिए हम लोग बहुत नॉर्मल कंडीशंस में इसको यूज नहीं करते हैं। और यदि हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें क्लीन टाइप की, तो दो टाइप की क्लीन होती है, एक होता है प्रोग्रेसिव क्लीन, एक होता है कंपार्टमेंट क्लीन। प्रोग्रेसिव क्लीन में क्या होता है, एक बार स्टैक आ जाता है तो प्रोग्रेसिवली वो चलता रहता है और उसके अंदर में जो ड्राइंग है वो पॉसिबल होती है। जबकि कंपार्टमेंट में क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग टेम्परेचर जोन रहते हैं, अलग अलग ह्यूमिडिटी रहती है, तो हम एक बार एक में उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं जो प्रिस्क्राइब टाइम है, उसके बाद निकाल के हम दूसरे कंपार्टमेंट में रखते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ कंपार्टमेंट में हम उसको शिफ्ट करके और टोटल सीजनिंग करते हैं, जबकि प्रोग्रेसिव में एक ही कंपार्टमेंट में वो लगातार चलता रहता है और प्रोग्रेसिवली उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है। तो दिस इज अबाउट योर क्लीन टाइप। तो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल के। तो यदि हम एडवांटेजेस की बात करें आर्टिफिशियल के, तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिक्वायर्ड लेस स्पेस। तो कम स्पेस में भी आप काफी लकड़ियों को जल्दी जल्दी सुखा सकते हैं, सीजन कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरा है लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो देखिए नेचुरल के सामने कई महीने लग जाते हैं, उसके सामने यदि हम इसको कंपेयर करें तो इसमें कम टाइम लगता है, तो आर्टिफिशियल हम लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं टू सेव अवर टाइम। थर्ड इज इजी टू कंट्रोल पैरामीटर्स। अभी हमने बात करी कि हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप चाहें तो इसके अंदर में मॉइस्चर है और जो टेम्परेचर है उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसी आपको लकड़ी बनानी है, सॉफ्ट रखनी है, एकदम से सॉफ्ट करनी है, धीरे धीरे सॉफ्ट करनी है, वो सब आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड सीजन। तो देखिए आर्टिफिशियल में हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं या सीजन कैसा है, आर्टिफिशियल को यूज करके आप उनको जल्दी से जल्दी सीजन कर सकते हैं लकड़ियों को, तो ये बहुत अच्छी बात है। देन फिफ्थ इज ड्राइंग इज इवन एट ऑल द सर्फेसेस। तो हमने बात करी थी कि नेचुरल के अंदर में इवन ड्राइनेस नहीं होती है, लेकिन जो हम आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करते हैं उसमें जो पूरी लॉग होता है, पूरी लकड़ी होती है, वो प्रॉपरली और यूनिफॉर्मली चारों तरफ से सूखती है, ये बहुत अच्छी बात है। नो चांसेस ऑफ एंड क्रैक ड्यू टू हाई रेट ऑफ ड्राइंग। तो जैसा हमने पहले देखा था सिर्फ एंड से ज्यादा हाई रेट पे मॉइस्चर रिलीज हो रहा था, वैसा इसमें नहीं होता है, इसमें चारों तरफ से जो लकड़ी होती है उसमें से हमारा मॉइस्चर रिलीज हो रहा होता है, तो ये ज्यादा बेटर होती है विथ रेस्पेक्ट टू अवर नेचुरल सीजनिंग। यदि हम सेवेंथ की बात करें, दैट इज क्वालिटी इज हायर देन नेचुरल सीजन वुड। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है, क्योंकि हमने कंट्रोल पैरामीटर यूज किए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी सुपीरियर होती है। किस मायने में? उनकी ग्रेन्स और उनके स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। लो अटैक टू फंगस, इंसेक्ट एंड टर्माइट्स। तो यहाँ पर उसका चांस और कम हो जाता है, क्योंकि जब हमने बात करी थी 15-20% तक भी मॉइस्चर रह जाता है नेचुरल सीजनिंग में, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल सीजनिंग की बात करते हैं तो वी ब्रिंग इट मोर डाउन, लाइक 0-5% हम लोग इसका अंदर में मॉइस्चर कंटेंट को ले आते हैं, जिसकी वजह से जो फंगस लगने का जो चांस होता है या फिर इंसेक्ट से जो अटैक होता है या टर्माइट्स का जो अटैक होता है, दीमकों का अटैक होता है, वो इसमें कम हो जाता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ अवर एडवांटेजेस आर लिस्टेड आउट। इसी तरह से हम डिसएडवांटेज की बात करें, आर्टिफिशियल में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी इनिशियल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। तो देखिए दोनों ही बहुत महंगी पड़ती है। एक तो इनिशियल कॉस्ट जो हम सेटअप लगाते हैं या हम क्लीन खरीदते हैं या फिर हम बॉइलिंग के लिए रनिंग कॉस्ट की बात करें, वो भी हमारे को ज्यादा पड़ती है, तो लकड़ी की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। सिमिलरली आउटपुट क्वालिटी स्लाइटली लेस स्ट्रॉन्गर। यदि हम स्ट्रॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होता है, नेचुरल से थोड़ी सी लेस स्ट्रॉन्गर होती है। हम बहुत डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन इसको लेस स्ट्रॉन्गर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो होता है हम लोग कई केमिकल्स यूज करते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं उसकी नेचुरल बॉन्डिंग को, जो वुड की नेचुरल बॉन्डिंग है उसको इफेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए इट मे बी स्लाइटली लेसर इन स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू योर नेचुरल सीजनिंग। देन द थर्ड इज कैन बी यूज फॉर स्मॉल साइज वुड्स ओनली। तो देखिए नेचुरल जो होता है वहां पर तो हम लोग कितने भी बड़े से बड़ा वुड का साइज है, लेकिन आर्टिफिशियल के अंदर में हम लोग स्मॉल साइज या फिर लिमिटेड साइज ऑफ वुड्स को ही सीजन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम आर्टिफिशियल पे जाते हैं, लेकिन हमारे पास यदि सफिशिएंट टाइम है तो हम नेचुरल सीजनिंग पे ही ध्यान देते हैं। इसी तरह से नीड ऑफ स्किल। तो देखिए यहाँ पर हर कोई इस लकड़ी को नहीं सुखा सकता, यहाँ पर एक इफिशियंट वर्कर की जरूरत पड़ती है, एक इफिशियंट आदमी होना चाहिए जिसको ये पता हो कि कैसे आर्टिफिशियली ऑपरेट करना है, क्या टेम्परेचर रखना है, कितनी देर के लिए रखना है, क्योंकि यदि हमने यहाँ पर स्किल्ड वर्कर नहीं रखा तो हमारी लकड़ी खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे इसकी कॉस्ट फिर बढ़ जाती है, क्योंकि स्किल्ड लेबर को आपको रखना है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे और उससे आपकी कॉस्ट अगेन इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सीजनिंग ऑफ वुड।
इससे पहले एक वीडियो हम लोग कारपेंट्री पे ऑलरेडी बना चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में को देख सकते हैं जहां पर हमने कारपेंट्री को डिटेल में डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।